मैं ना शॉर्ट स्क्रॉल कर रही थी और मेरे हर एक स्क्रॉल के बाद ऐसा वीडियोस आ रहा था, तो मैंने सोचा जब सब ये हैक ट्राई कर रहा है तो मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी ट्राई करूंगी और देखते हैं इस हैक से मेरा निखार बढ़ता है या फिर मैं रेड बंदर जैसा दिखूंगी। तो चलिए देखते हैं। मैंने अपना CTM पहले ही कर लिया है और इसके बाद मैं यहाँ प्राइमर लगा रही हूँ। वैसे प्राइमर तो मैं अपने पूरे फेस पे ही लगा रही हूँ, बट अपने टी जोन पर जहाँ मेरा ऑयल प्रोड्यूस ज़्यादा होता है वहाँ पे खास करके लगा रही हूँ। ये स्ट्रेन का मेन प्रोडक्ट है जो ये है रेड लिपस्टिक। इसका आधा मार्क यहाँ छिपा हुआ है। अब एक पेंसिल ब्रश लेकर उसे इसमें डीप करके अपने फेस पर ऐसे 20 से निशान लगा रहे हैं। ये तो मेरी खून भरी मांग हो गई। फर्स्ट ट्राई में ही इतना स्ट्रेट लाइन, वाह अंजलि तुम तो कमाल हो। अब दूसरी लाइन की बारी। ओहो ये भी काफी स्ट्रेट बना है, वाह गजब। मैं ऐसे और 3 लाइन इस साइड बना लूंगी और आप देख सकते हैं मेरा ये साइड कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं दूसरे साइड। बस हो गया, ज्यादा एक्साइटमेंट में बिगाड़ लिया ना। सही है, खुद को ही खुद का नजर लगा लिया मैंने। तो इस बार मैं इसे काफी सावधानी से लगा रही हूँ और हल्के हाथों से। अगर ये गड़बड़ भी हो जाए तो मिटाने में इजी रहे। अब मैं यहाँ पर नाप तोल करके सही मापदंड लेकर दूसरा लाइन भी बना रही हूँ। ये भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ बनाने में, बट कोई ना, मुश्किलें तो आती रहती है, ऐसे पार करना ही जीवन को आगे बढ़ाता है। अभी तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी बाकी है, चलो इसे भी काफी सावधानी से बनाते जाते हैं। ये मेरी किस्मत की लकीरें हो गई है जो कि कुछ ऐसी ही टेढ़ी होगी, तभी तो लाइफ में सब कुछ टेढ़ा चल रहा है। तो मैं इसे पूरा फेस पर बना लूंगी। अब आप देख सकते हैं मेरे ईयर के पास ये 2 बॉक्सेस हैं। मैं इसे कंट्रोल से फिलअप कर लूँ कर ले रही हूँ और अपने दूसरे साइड भी सेम ऐसा ही कर लेंगे। ये यहाँ हो गया। अब इसके नीचे जो 2 बॉक्स है उसे हम कंसीलर से फिलअप करेंगे और दूसरे साइड के लिए भी सेम ऐसा ही करेंगे। अब मैं इस एरिया के बॉक्सेस को भी कंसीलर से फिलअप कर रही हूँ जिससे कि हमें एक लिफ्टेड लुक मिले। और मैं थोड़ा सा कंसीलर अपने चिन एरिया और अपने फोरहेड पर भी लगा। और ये मेरा अजीब सा बेस रेडी है। अब आती है इसे ब्लेंड करने के बारी। तो इसे हमें काफी अच्छे तरीका से ब्लेंड करना है। इस पार्ट में आपको बहुत ही पेशेंस की और मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि इसे ब्लेंड करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट आप गिव अप नहीं करना, आप इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करते जाना। ब्लेंड 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 ब्लेंड। इसके बाद हमें इसके ऊपर फाउंडेशन लगाना है, तो इसके लिए मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर के बैक साइड से लगा रही हूँ और इसे काफी अच्छे तरह से ब्लेंड भी कर रही हूँ। अब बारी आती है मेरे फेवरेट पार्ट की जो कि है लूज पाउडर लगाना। यहाँ मैं अपने अंडर आई पर बेकिंग कर रही हूँ। मैं सच बताऊँ तो मुझे लूज पाउडर काफी पसंद है। मेरा बस चले तो मैं एक टंकी पे इसे भर कर उसमें डुबकी लगा लूँ, हम मजा ही आ जाएगा। आई नो कि ये काफी वियर्ड इच्छा है, बट क्या करूँ, इच्छा तो इच्छा होती है, मन तो मन है, मन तो पागल है, मन दीवाना है ना। क्या आपका भी कोई ऐसा वियर्ड इच्छा है? अगर है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। फाउंडेशन से हमारा कंट्रोल थोड़ा सा छिप सा गया है, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर और थोड़ा सा कंट्रोल लगाकर एक ब्रश से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लश भी लगा लूंगी। और यहाँ मैंने फटाफट अपना पूरा मेकअप लुक कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस सच बताऊँ तो मुझे इस ट्रिक से काफ़ी उम्मीदें नहीं थी। मुझे लगा था कि ये मेरे फेस पे काफ़ी रेड रेड सा दाग छोड़ देगा, बट
मेरे फेस पे जितने भी डार्क स्पॉट्स थे इस ट्रिक से वो काफ़ी अच्छी तरीके से हाइड हो गए हैं बिना कलर करेक्टर, क्योंकि यहाँ लिपस्टिक ही कलर करेक्टर का काम कर दिया है। अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो डे टाइम में नहीं, डे टाइम पर तो धूप होती है तो और लाइट करेगा, अगर कहीं मैं नाइट आउट पे जाऊंगी तो पक्का ये ट्रिक ट्राई कर सकती हूँ। सो गाइज, आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। और मैं इस चैनल पर हेयर स्टाइल और मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, तो इस तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खा पियो एंड मज़े करो।